नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में तीसरे चरण का मतदान जारी है और इस वक्त हम मधेपुरा टाउन में हैं। मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र, आप मतदान केंद्र देख सकते हैं कि मतदान केंद्र के बाहर लोग कतारबद्ध होकर वोटिंग करने जा रहे हैं और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया था कोरोना को लेकर, उसको भी फुलफिल किया जा रहा है। हम कुछ युवाओं और से भी बात करेंगे। क्या मुद्दा है आप लोगों का इस बार? बोलेंगे क्या मुद्दा है चाचा, क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं मधेपुरा में हो? बढ़िया चाहते हैं। आप बताइए। मुद्दा है विकास का, डेवलपमेंट का। हाँ। जो हम लोग के हित में काम करेगा, सार्वजनिक हित में, उसको हम लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। आप क्या कहें? हम लोग का वही आदेश है, वही है। तो हम लोग को जो काम करेगा उसी का हम लोग वोट देंगे। क्या चाहते हैं कि मधेपुरा में विकास किस तरीके से? विकास बढ़िया से होना चाहिए। जो जीत के जाता है घूर के वो न करता, जो जीत के जाता है वो यहाँ घूर के नहीं आता है। कहाँ आता है, जो जाता है लसकिया जाता है, उधर इधर लटक जाता है, ऐबे न करता है यहाँ पर। तो मतलब कोई विकास ही न हो रहा है। नहीं, कोई विकास हो रहा है। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा तो सर बहुत है, बेरोजगारी है सर के जो बदहाल है, और जो युवाएं हैं, जो युवा हैं, युवतियां हैं, जो उनके शैक्षणिक योग्यता में कमी है। तो हम उनकी सरकार बनाएंगे, जो इस बार जो एजेंडा पकड़े हैं विकास की, जो बेरोजगारी है उसे दूर करे, उसकी सरकार बनेगी। आप क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुशरफ। क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि हम लोग का विकास होना चाहिए। हम लोग का बाल बच्चा अभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा, हम लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। बस यही मुद्दा है मेरा। चाचा आपका? अशोक कुमार यादव। क्या मुद्दा है? विकास होना चाहिए यही ना, और बेरोजगारी। किस तरीके का विकास है? विकास बहुत ढंग का विकास है, जैसे रोड है, बहुत चीज़, मतलब शिक्षा का कमी है, मतलब यहाँ जो है बेरोजगारी बहुत है, यही सब। रोड नहीं मिला मधेपुरा को? बहुत बहुत कमी है रोड का भी। चलिए कुछ और लोग, हाँ बोलिए। हम लोग का सर कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग जिधर बस रहे हैं उधर जो है पूरा बरसात में बड़बड़ जंग पानी हो जाता, जो नेता यहाँ से जीत गया था चेहरा भी नहीं देखा था। अभी जो है वो खाता है गली गली, माँ बाप आप ही है, दादा नाना आप ही है, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद कोई गुड़ के नहीं आता। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग को उससे पानी बहते रहता है, बना दिया, कोई चीज़ का विकास नहीं है। क्या नाला? नाला जो ना सब का विकास है ही नहीं, सब पानी निकलता है, सब रोड पे रहता है, बरसात के मौसम में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होता है। ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपको इन समस्याओं से निजात दिलाए? ऐसा ही सरकार चाहते हैं। आप बताइए चाचा, क्या मुद्दा है आपका मधेपुरा के लिए? सरकार का बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, क्यों? इसलिए कि कोई भी काम नहीं हो रहा है। चलिए, आप काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। अभी सरकार हम लोगों को बदलाव हो कि कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। जैसे नाली बन गया है ना, राशि खर्च हो गई है ना, कहीं कनेक्शन नहीं है कि नाली का पानी जस का तस रहता है। रोड पर बरसात के समय में यहाँ इतना कपड़ा उठा के लोगों को चलना पड़ता है, जो सार्वजनिक काम है वो नहीं हो रहा है तो व्यक्तिगत क्या बात करें। स्कूल कॉलेज जो प्राइवेट बना हुआ है, आज तक सब कर्मी, हम लोग भी मधेपुरा कॉलेज में प्रोफेसर है, 52-53 बरस उम्र पूरा हो गया, ऐसे झोला टांग के घूमते रहते हैं, तो क्या विकास कहेंगे? आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों से उतना जवाब सवाल हम लोगों से होगा नहीं। आप लोग खुद जानते हैं कि पूरे बिहार में कि क्या हो रहा है, नहीं। आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए क्या मुद्दा है? चलिए, हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? युवा सरकार चाहिए हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कोरेक्स की नशीले चीज़ हो रही है। युवक जो भी है सब मजबूरी में, अच्छा अच्छा फैमिली से कोरेक्स पी रहा है, मजबूरी में युवा सरकार आएगा, ठेका कम से कम खुलेगा, कम से कम मान लीजिए रॉयल्टी शहर होना चाहिए। ठेका खुलेगा मतलब? जी जी, मतलब नया सरकार आई युवा सरकार के लिए, वैसे युवा सब कोरेक्स पी रहा है, मजबूरी में सर क्या करेगा, कोरेक्स पी के मर रहा है, कोई अपेंडिस बीमारी कहीं कुछ हो रहा है, इसे चाय जो पीने का आदत जिसको है, तो कम से कम वाइन शॉप तो खुलना चाहिए युवा सरकार के राज में। जी 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 जी, देखिए जिसको लत है वो तो चुपके चुपके कर रहा है, करिए रहा, इससे अच्छा है कि अपनी ठेका खोल दे सर। बढ़िया बढ़िया फैमिली जाता है दिल्ली उल्ली, बहुत जगह जाता है। आप बताइए क्या मुद्दा है आपके लिए? हम सबको चाहिए कि बढ़िया और अच्छा सब स्कूल यार खुल जाए, और हाँ स्कूल यार हम लोग हैं एक साल से बैठे हुए हैं, हम लोग का पढ़ाई बंद एक साल से, इसलिए हम मजबूरी में फंसे हुए हैं। हम लोग मजबूरी में फंसे हुए हैं। मुद्दा जो यहाँ का है वो बेरोजगारी है, और साथ ही चाहते हैं कि मधेपुरा शहर में जो बाढ़ के समय में जो दिक्कत आती है उन दिक्कतों को निजात दिलाए, ऐसा विकास
चाहते हैं मधेपुरा के लोग। फिलहाल अभी तक के लिए इतना, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।